Good evening, and this is Manish, your host and dear friend, and I wish you all the very best for the test. Take it very seriously, and the more you score in this, you will be able to score highly in the actual RBI exam as well. Okay? There will be some time which will be provided to you to read the questions. Be ready with a pen, paper, and write your name on the top of the paper. And you can do two things. Either you can comment your answers in the comment section of the YouTube video, or you can also upload your answers on the RBI Target 2018 group, the Facebook group, anything which you feel is comfortable. These are the two places only where the copy will be checked, either the comments or this one. And then at 10 p.m. sharp, we'll release the answers also. So then you can verify the answers and where did you go wrong. Okay? आप क्वेश्चन देखते जाइए और आप ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर करते जाइए. यू विल बी गिविंग गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, एंड एक बार के बाद भी हम क्वेश्चंस पे लौट के आएंगे. तो आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, यू कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन साइलेंटली एंड दिस विल गो ऑन. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आई थिंक यू कैन सी इन वन गो, एट वन गो यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ते जाइए, यही मैं बोल सकता हूँ. आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में जितना क्वेश्चन आपको आता है उसके आंसर्स लिखिए, जो आपको नहीं आता है आप उससे आगे बढ़िए. डोंट गेट स्टक एट वन क्वेश्चन. क्वेश्चन में डाउट ये है, अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पर. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेंज बताना है कि इनमें से कितने सिटीज हैं जिन्होंने ओडीएफ अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर लिया है. ठीक है, हम हर 25 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप आराम से कंफर्टेबली क्वेश्चंस को देख सकें, एंड यू शुड नॉट फील रेस्टलेस कि हमारा क्वेश्चन छूट रहा है. इसलिए आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर लिखने का कोशिश करें. और एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर, राइट एटलीस्ट द क्वेश्चन का छोटा फॉर्म, सो दैट यू कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. यू हैव 45 मिनट्स, फ्रॉम 8 to 8:45 यू हैव टू आंसर एवरीथिंग, एंड 15 मिनट्स फॉर रिविजन. यू हैव टू राइट द आंसर, देर आर नो ऑप्शंस. दिस विल बी अ गुड केस टू रिमेंबर थिंग्स, बिकॉज इन RBI रिमेंबरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पिक करना है कितने सिटीज़ ने सेल्फ डिक्लेयर किया है खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री. वन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, वन ऑफ द रेंज इज करेक्ट आउट ऑफ द 5. यू हैव टू पिक वन ऑफ देम. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है. वी कम नाउ टू क्वेश्चन नंबर 6 to 10. ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल फोकस के साथ क्या क्वेश्चन दिया गया है उसको सोच के पढ़िए, सोच के बनाइए.
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखने में जितना टाइम लग रहा है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 12 to 15 आप एक बार फिर से देख लें। कुछ कुछ क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन के जैसे हैं। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑलवेज इन आरबीआई, तो पैटर्न सेम रखा गया है ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहें एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 to 19, 16th नंबर क्वेश्चन में यू हैव थ्री क्वेश्चंस टुगेदर, 16, 17, 18। तो आपको यस बैंक लॉन्च्ड व्हाट सिनर्जेटिक स्टार्टअप का नाम बताना है फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर इन वीमेन। इट इज़ टू इंश्योर बाय विच ईयर वी विल हैव इतना परसेंट ऑफ वीमेन्स एज एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर एज वीमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 में तीन कॉलम एक ही में है। 15th क्वेश्चन नंबर क्या है, ICBC launched China's first India dedicated public investment fund. What does I here refer to? ICBC में I क्या refer करता है, जो लोग RBI दिए हुए हैं उनको मालूम है, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, which exchange became the first designated offshore securities market by USSEC? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, according to UN report, India's growth is projected to grow at what percent in the year 2018-2019? Always a very important question from RBI perspective because they are always asked in the examination. ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो कि आप क्वेश्चन देख सके। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज मल्टी कॉमोडिटी इंडेक्स लॉन्च्ड किसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है, इंडिया के मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ने किसका अभी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, किस कॉमोडिटी का? आई थिंक वहाँ कंट्रीज लिखा गया है पर किस कॉमोडिटी का आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको वो कॉमोडिटी का नाम बताना है जिसके लिए इंडिया के MCX ने अभी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 23, EPFO ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डाला है 2017-2018 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी इंडस्ट्री ने हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट इन दिस ईयर इंडिया में। एंड द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 फॉर द फर्स्ट बुकलेट इज ये जो आपकी स्क्रीन पर सबसे आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज स्टेक दैट वॉलमार्ट हैज बाइड इन फ्लिपकार्ट फॉर 16 बिलियन। द नेक्स्ट सेट ऑफ 15 क्वेश्चन विल बी अपलोडेड बाई 8:15, by then you can comment your answers, the 25 answers here, or you can also do them together afterwards on the RBI group. ठीक है, ये 25 क्वेश्चन आप फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ जिनका क्वेश्चन छूट चुका हो, आप एक बार देख लें 2 मिनट में रिवीजन। टाइम कम ही होता है इसलिए कम टाइम दिया जा रहा है आपको कि आप जल्दी जल्दी देख के उसका आंसर लिखने का कोशिश और हैबिट को बढ़ाएं।
लीमा क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन में भी था, उसी के जैसा है, नॉट वेरी डिफरेंट. ठीक है, लेट अस नाउ स्टॉप दिस वीडियो, वी विल बी कमिंग बैक शॉर्टली.